उत्तर प्रदेश वाराणसी विरोधी इंटरमेंट उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना। मोदी कहले जो योजना को नहीं विरोधी हसरे उड़ाई देते आज से ही योजना ही देश के गरीब और वंचित सहारा पलटि। वाराणसी में संथ गुरु रविदास 647तम जयंती आयोजित कार्यक्रम में जोगद मोदी कहते जदि कहीं कहार धर्म और जाति को नहीं भेदभाव सृष्टि करुच्चे तेज यह पूरा मनुष्य समाज में विपद तेणु दलित और पछुआ वर्गर लोक मैंने इंटरमेंटर से ही लोक चिन्हार आवश्यकता रही जो माने जाति नारे लोक मानते विभेद सृष्टि करते लोक उकसह परस्पर मध्य लड़े था जो योजना गुड़िक दलित और पछुआ वर्ग कल्याण उद्दिष्ट विरोध करते संथ गुरु रविदास जन्मतीर्थर लक्ष लक्ष अनुगामी सेवा करने सौभाग्यर कथा मोदी से बड़े उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशीर नुआ स्वरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद जन विगत 10 वर्ष ते काशीर विकास केवल कल्पना रही तेज संकीर्ण रास्ता और आईन श्रृंखला परिस्थिति भल रही ना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदृष्टि मार्गदर्शन और नेतृत्व आज संतगुरु रविदास जन्मस्थान चमकुची कहते योगी यह अवसर वाराणसी में संत रविदास प्रतिमूर्ति उन्मोचन करते प्रधानमंत्री मोदी यहाँ संत रविदास जन्मस्थान परिदर्शन करते और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी, लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।